ये रज और कोई नहीं भैया, यहाँ पर भगवान शंकर ही इसी जगह पर एक दिन तपस्या कर रहे थे, भोले बाबा। तो इंद्र को डर लग गया कि कहीं भोले बाबा तपस्या करके हमारे इंद्र लोग ना छीन ले जो दादा, या मोदी की कुर्सी चली जाए मेरे बंधुओं। तो अब जब ये प्रण कर लिया तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव से कहा जाओ कामदेव भोले बाबा तपस्या करते हैं, इनकी समाधि को तोड़ो, इनकी तपस्या को जाओ तोड़ो। मेरे बंधु जब वहां जब कामदेव सुना तो कामदेव कहने लगा इंद्र से, महाराज हमका न भेजो। भोले बाबा इंद्र से बोला जाओ कामदेव, नहीं तो वज्र से मार दूंगा। जब इतना कहा तो भैया यार कहा वजनते हो भाई, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ए कामदेव आया भगवान शंकर के सामने, उनकी समाधि को तोड़ने लगा। जैसे भगवान शंकर को गुस्सा लगी तो भगवान शंकर के नेत्र तीसरा हमारे आपके आंखी कहे हैं, आंखी है दखौटी दुई, ये आंखी आए डुप्लीकेट, ये आंखी ओरिजिनल ना है भाई, ये आंखी है लोकल, याक है ओरिजिनल। अब आप कहोगे यू महाराज तुम कैसे कह रहे हो कि ये आंखी डुप्लीकेट है और आंख याक ओरिजिनल है, वो आंख कहाँ है? आप लोग जो कोई ललता मैया गए हो, चंद्रिका देवी गए हो, या कहूं गए हो, जहां गए हो, कुर्सी तक तो गई बैठे हुई हो, कुर्सी में यहाँ रामदास की दुकान अब गए हुए हो कपड़ा खरीद दे हैं? गए हो? अच्छा अगर ऐसा ही देखो तो कुर्सी दिखा देगा, नहीं दिखा दे। और यह आंख बंद कर लो तो कह दो रामदास कपड़ा दे आए, तो ये मान लेते कि कपड़ा हम ले जाए रहे, काहे बद कहे, क्योंकि जब ये आंखी बंद हो जाती हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये आंखी से भगवान तुमको जीवन में नहीं मिलेंगे, अब कथा हुए पहुंच गए दोपहरे वाले, ये आंखी से भगवान जीवन में नहीं मिलेंगे, चाहे जत्ता त्याग करो चाहे जत्ता तपस्या करो, और लेके अगरबत्ती घुमावे लगो जय जगदीश हरि, ओ लौंडेव कहे सी छला दर मचे अब पीटा बा तुमका, ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरे, पूरा लंडा पर्दा उचेड़ा काहे बद गए, क्योंकि ये आंखियां काम वासना को लेटने वाली, ये आंखी हमारी है दुनिया को ठगने वाली, ये जब ये आंखी बंद कर लो तो ऐसा लागत है कि भगवान का सामने आ चुके हैं कहा, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल जाता है। मेरे बंधुओं भगवान शंकर ने जब कामदेव को देखा ऐसा अभद्र करते तो उनकी आंख में 11,000 वोल्टेज बत्ती का करंट फिट था। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नेत्र डारा, भाई मेरे कामदेव जल के भस्म हो गया। जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी थी भैया, पत्नी का नाम क्या था? रोवत रति पति ढिंगो आई और शंभू से विनय सुनाई, कहने लगी भोलेनाथ तुमने मेरा पति जला के भस्म कर दिया, मेरा पति कैसा था, नौकरी चाकरी गरीबी से खवाता पियाता था, और बताओ हम की होए कह रहा। भोले बाबा बहुत दयालु देवता हैं, भोले बाबा बोले जाओ देवी तुम्हारे रोने पर, ए कभी कभी देखो आदमी गलती कर देता है और पत्नी हाथ जोड़ काम बना लेती है, आदमी
आदमी महान गलती कर देता तो माताएं खड़ी हो जाती। देखो पिक्चर में देखे हो, हिरोनवा हिरोनवा कहीं मारा जात रहता है, ले वहां बिटोनी खड़ी हो गए आगे, पापा मेजो को मारिए। बप्पो कमजोर पड़ गए। हमने कहे रामचरित मनसम लिखा है, राजा दशरथ ने उठाया बाण, राजा दशरथ ने उठाया बाण और कहा जाओ रावण, आज से हम तुम्हारी लंका के चारों दरवाजा बंद कर दे और बंद कर दे, लंका में रह रहे मर जाओ, बाहर ना निकले दे। एक बार दशरथ ने किए द्वार सब बंद, लंका के चारों दरवाजा राजा दशरथ ने बाण के द्वारा अयोध्या से ही बंद कर दिया था। तब मंदोदरी ने जब देखा तो राजा दशरथ से विनती किया, वो कहा महाराज यू बेकूफ है तो कई के चक्कर मामो को मार डरियो, महाराज ऐसा करो ये बाण वापस ले लो या लंका न विनाश करो, लंका न बंद करो, जब बंद करो तो यह बोल बंद के हो। तो राजा दशरथ ने मंदोदरी के विनय पर फेर लिए स्वर्दंड, राजा दशरथ ने फिर बाण वापस ले लिया था। तो कभी कभी गलती पति कर देता है तो पत्नी माफ कर दे, माफ करवा लेती। कामदेव ने गलती किया, भोले बाबा ने जला के भस्म कर दिया। जब रति आई रोने लगी तो भगवान शंकर को दया भी आ गई। ये कहते वहां आदमी शुद्ध होते हैं जी के दिल में दया होती है। और ये कोई आदमी तुमने दाढ़ी महान डाले लगे भैया एक रुपया दे, भाई अमादत दे एक रुपया दे दो और तब रुपया ना दे का करे हो, तब हो तुम्हारे दया ना हो तो जाने शैतान समझाओ पूरा कि अगर दया रूपी वृक्ष नहीं जिसके शरीर में उसको मानुष नहीं कहा जाएगा। मेरे भाई भगवान शंकर को दया आ गई, भगवान से उन्हें कहा जाओ देवी हम तुम्हारी उदारता पर द्रवित हैं, तुम्हारा पति फिर मिल जाएगा तुमको वह तन का, लेकिन अब नहीं मिली क्योंकि अब बाट चुकी है बरी, अब ना मिली, तुम्हारा पति द्वापर मिलेगा देवी, जय सम्रासुर राक्षस है उसके घर में जाकर तुम नौकरानी बनो, संसार में एक औरत तुम्हें हुई हो जो अपने पति को तुम स्वयं पैदा करी हो और छठी बराहा करी हो और तक बड़ा हो ये तो वैसे बिहाव कर लिया हो। और यू केवल तुमको मालूम होगा दूसरे को नहीं मालूम होगा, तुम्हारा पति मेरा मिलेगा कब, भगवान शिव ने कहा जाओ जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, सुंदर का अवतार होगा तो तुम्हारा पति द्वारिकापुरी में जन्म लेगा, उन्हीं भगवान श्याम सुंदर का सबसे बड़ा बेटा रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेगा। तो महाराज मेरा पति बलवान होई वो, अरे देवी नो टेंशन, पति बलवान कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वैसे भगवान के समान बलवान होगा, वही रति का पति बना था भगवान का नैया का बेटा जिनका नाम था प्रद्युम्न कुमार, प्रद्युम्न कुमार के बेटा बने थे अनिरुद्ध कुमार जिनकी शादी हुई थी बाणासुर के बिटिया उषा के साथ। मेरे बंधुओं भोले बाबा वहां से चले गए थे खो में बैठे, आज पार्वती ने देखा वही रज बैठ गई तपस्या करने लगी भगवान शिव को पाने के लिए। भैया भगवान शिव की तपस्या को पाने के लिए करने लगी, कतनी तपस्या एक साक में भगवती ने कर दिया मालूम, यहाँ नौ दिन नवरता वरते राती माताएं बहनी बिटिया लोग
पूरे टॉलम डुग्गी पिटती बहनी आज 9 दिन हो गए नमक चाट चाट रहे हैं भैया बरते रहती तो और जबकि खाए ना इसे नहीं बकरी ठीक एक दर्जन क्याला खाए गई 1 किलो सेफो साफ कर दी और 1.5 लीटर दूध पी गई दिन मैडम आए और तब हो इंसान लेवांग खाए खाए बढ़ते रहते हैं ना आखिर से भेड़ा हो गई है भैया बढ़ते रहते तो सब लौती बिटिया बढ़ते हैं तो यूं नहीं कहा पल्ला कुर्सी से आधा किलो साबुन दाना ले बताओ अगर बढ़ते हो और किसी से अगर यूं तुम कह दो कि हम ही देवता के नाम से बढ़ते रहे हैं तो तुम्हारा व्रत खंडित होगा तो व्रत खंडित अगर फूल बढ़ते हो माताओं बहनों अगर फूल बरते हो और खाना तुम्हारे सामने आग व निगाह तरे और देख के यहाँ खाना अगर तुम ललचाए गयो तो जान लो तुम्हारा व्रत खंडित होएगा ऐसा कहते हैं भाई क्योंकि तुम नहीं खाओ लेकिन यो मन तो खाना फांदे परा इसलिए खाना सामने ना परक चाहिए अगर व्रत है फूल तो खाना नाम की चीजें सामने ना परे तब तो पूरा व्रत माना जाए अगर आत्मो फांद परी मनो फांद परा लबरा मन तो जान लो तुम झूठ हो क्यों मेरे बंदो पार्वती जी कितने दिन हो गए मालूम चार सहस पुन 444 444 वर्ष 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप अपनी घोर तपस्या किया भैया कि मैया भगवती का शरीर झुरा गया एकदम लकड़ी होएगा शरीरम खाली हड्डी हड्डी बची अब वही हड्डी से निकल रहे खाली शु, शु, शु। तेज हवा निकल नहीं पा रही क्योंकि जब खाना खाई ने तो भूत कहां धरी ए भैया एक दिन नारद बाबा निकले जब आपकी किसी साधु से भेंट हो जाए तो समझ लो कोई हमारा काम बना बिगड़े वाला है या बिगड़ा हुआ काम बने वाला है माई भाई मेरे नारद बाबा निकले तो देखा ये लड़की कब से बैठी है जब जब निकले था तभी तो बैठी मिलते है तो नारद बाबा गए तो सोच रहे कर्तिका है तो नारद बाबा गए उस लड़की के मुख में अपना कान लगाया जब कान लगाया तो लड़की के कान आवाज एहसास होता है ये कहती है शु, 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 शु। बस बोले बाबा नारद बाबा जान गए कि ये भगवान शिव को पाना चाहती वह समय में यह घटना घटी कि एक तारा का नाम कर राक्षस भैया सब देवताओं को परास्त कह दे तब आकाशवाणी भई हे देवताओं तुम सब मार दिए जाओगे देवता का लगा इसी दी आवाज आई हो तो का लगा आवाज है फारिस्टर उड़ते तो आवाज आई देवताओं अगर बचना चाहता हो तो सब लोग रण क्षेत्र छोड़ के और जाओ भगवान शंकर को ढूंढो उनका ब्याह कराओ पत्नी घर में आवे तब लड़का होई तब वो बड़ा होई तब सबका मार डारी तो अब भोले बाबा को ढूंढे निकल पड़े ढूंढते ढूंढते गए तो एक देखा खोह में भोले बाबा बैठे देवता लोग जगाने लगे भोले बाबा जागे नहीं आकाशवाणी हुई देवताओं जगाओ तो सब देवता बोले महाराज जगाए तो रहे लेकिन भोले बाबा जागन नहीं कैसे मैं शिव का मनाई हो शिव जागत नहीं कैसे मैं शिव का I'm not afraid of the dark.
भगवान शिव ने सोचा कि सब दरवाजे पर आए तो हमारा फर्ज है पूछ लेना। भोले बाबा ने पूछा, देवताओं काहे आए हो? तो सब देवता बोले, महाराज पहले तिरवाचा भरो तो वरदान मांगी। भोले बाबा ने कहा, अच्छा मांगो। अच्छा विष्णु जी को जब देखा तो विष्णु जी से कहा, तुम काहे बदे आए हो? तो कहला, हम आए नहीं, हम कई पकल लाए हैं। भगवान जब बाबू जी ने कहा, हम भैया कुन नहीं कहे, ब्याह करो चाहे ना करो, ये सब हमका कहा लग, चले चलो हम चले, अब हमका जाम का होगा। तुम बताओ सब जगह काहे आए हो, लड़ुआ ले आए हो? तो देवता कहा लग, महाराज भोले बाबा से कहा लग, महाराज हमारी एक मांग है कि तुच्छी आंखें से ने यागदा तुम्हारे ब्याह हो देखी दोबारा। भोले बाबा बोले, यागदा ब्याह कहें तो ख्वाह हम आए गए, और दोबारा जो ब्याह करो तो अब कह हम शमशान चले जाओ, तो बिहाव ना करब। तैले नारद जी बोले पड़े, चाचा चाचा लड़की बहुत सुंदर बानी रहुआ। भोले बाबा बोले, ऐसा करो लड़की वड़की हम ना देखा भैया। नारद जी कहा लाग, पहले लड़की तो देखो चले, मन की तुमका कतना चाहत है, चाहत कतना है? भोले बाबा कहा लाग, चाहत है बिगिर बिहाव देखे कर। भोले बाबा कहा लग, अच्छा लड़की बिगिर देखे ना बिहाव करा। तो भोले बाबा कौन बन गए? नारद जी है मझिया। भोले बाबा कौन बन गए? और बन गए पूरे संत। ओ चले भगवंत गमन कर दियो, भोले बाबा बन गए संत भैया। और साधु बन के जहां पर पार्वती जी तपस्या कर रही है वहीं पर पहुंचे। भोले बाबा ने आवाज लगाया, ए लड़की, ए लड़की, ओ लड़की, रवा कहाँ गई नी, का खाई नी, का चहल बाड़ू? भगवान शिव ने आवाज लगाया तो पार्वती ने सोचा कि कोई होई पहुंचे महात्मा, तो आंखी खोल के देखा, देखा महात्मा खड़े, नारद जी नहीं रहे। तो भोले बाबा ने पूछा, अरे किन की हो तुम सुता कुमारी, कौन नगर किन की सुकुमारी, भोले बाबा ने जब पूछा तो पार्वती जी कहा लागी, बाबा अरे पार्वती तब बिनय उचारी, हंसे बड़ी जोर महात्मा के रूप में, कहला ओ मरी जाती और ये वही बुढ़ावो के चक्कर हम हुई के घर में पसेरी भर नाजु नहीं, बरसे पानी तो कहूं बैठक ठौर नहीं,
दोपहर में भाई रहे बरसे वाली कहानी कि जगह चाह जत्ती हो लेकिन जब बरसा ही लागत है तो ठौर भाई कोई केरे नहीं, चाह जत्ता बड़ा जगह वाला हो। बोले बाबा बुराई किया है, और जौन लड़की अपने पति की बुराई सुन न सके वह तो सच्चा ईमान वह धर्म देती। बोले बाबा बोले देवी अरे वही बुढ़वक चक्करम, नंगा है भिख मंगा है जो भीख मांग के खाता है। पैसा तीर नहीं और गोमिड के गुणगात। जैसे भवानी ने सुना कि यू बाबा कौन हुआ जो हमरे भोले बाबा बुरे करते। ए बाबा उन्नू हमरे भोले बाबा चाहे करिया हो चाहे गुआर हो कैसे हो बुराई करी हो तो सारी तपस्या का बल लगा के तुमका जला के भस्म कर दे। भोले बाबा काला भाई बिडोनी ठीक ठाक और बात सही है भैया, यह पक्की बात है। बाबा ने सुना तो विचार किया आप कहाँ करी तो तुरंत भाग खड़े भाई। अब नारद से कहा जाओ बिटिया से बताओ जा भोले बाबा मिल गए और जाओ उनके माता पिता से कहो जा तैयारी करे तुरंत, और तुम मंझिया हो ना तुम तैयारी करो और वैसे हम दुल्हा बने आ रहे हैं और वैसे ना जो गड़बड़ा जाए को ना और ले चला जाए बिहाव तुरंत हो जाए है भी रहे। हे भोले बाबा लौट आए ना कहते नारी की झाई पर अंधे होत भुजंग और कबीरा उनकी का गति जो नित नारी के संग। विहायक नाव सुने अरे हर चीज हम तो आदमी पछेल जाते हैं लेकिन विहायक नाव सुन लो जो कोनो बुढ़वा परा हो खटिया परा हो कलात हो परे परे और इके कान में कहो नद्दू बिहुआ है का बिहाव करा से हो तो उन्हें लगत का कोई कहा देखा बहू। विहायक नाव सुने समझ लो बड़े बड़े जवान लबर लबर हो करा भैया। मेरे भाई भोले बाबा आए देवताओं का देवताओं नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग और कबीरावर की कागत जरो जो नारी के संग। स्त्री के परछाई पड़ जा तो कहते आदमी अंधा हो जात और हम तुम फिर मौजूद हन भैया जो रोज दिन रात वह बिंधे परे हैं और तबहू जिंदा हन दादा भैया है तो है यू काम वो काम वो काम है तो सब लड़कर है बिटिया मरे जा रहे बेईमानी मक्कारी और तब भी हम लोग स्वस्थ हैं तो हम लोग फिर ठीक ठाक हैं। बोले बाबा बोले ऐसा करो देवताओं हमका सजाओ तो अति जल्दी हो फूल कहाँ धरे कहाँ गुलाब धरा तो सब देवता सजाओ वेला। कानन कुंडल पहिरे ब्याला कान विभूति पटके हरि छाला। भोले बाबा को सब सिंगार होला सरपंच से ने शशिललाट सुंदर सिर गंगा बहुत सही और नयन तीन उप बीत भुजंगा। खोपड़ी के सब जटा लेके बार और वह में है जूड़ा बना दिलो एगो ऊपर एगो खोपड़ी बनी जाए। अब करधनी रहे जब छोट लड़का हो तो उनका करधनी पहरा जाते है करिया कितना नजर न लागे वह में कौड़ी उड़ी पहरा दी नहीं और वह में घोड़वा केर थोड़ी नाल पहरा दी नहीं हैं वह सब बाल बना देती माताएं। जब छोट हो तो लड़का क्या करधनी पहरी जाती काली जब ब्याह हो तब करधनी कैसे पहरा जाती मालूम लाल और लाल माने होते खतरा जान जाओ लौंडो खतरे में गे खतरा आए ट्रेन याद हो अगर नीली झंडी दिखा दे हरी झंडी तो जान लो सिग्नल साफ और लाल झंडी दिखा दे जान लो सिग्नल गलत गाड़ी खड़ी। और जब आदमी बिहाव होते हैं तो जान लो सब तो लाल है माताओं के जत्ते सिंगार है सब लाल है कि नहीं है मांग कर सिंदूर सब रेड का है लाल खोपड़ी दिखा दे लाल लाल क्यों थे खरबूजा फाट गया बीच तो लाल लाल खोपड़ी एक खतरा द्वासर बिंदी भी लाल द्वासर खतरा और तीसर मेहंदी तो लाल
पावन के महावर तव लाल और का लाल मालूम हराउल लाल है ना, नहीं समझ पाए कोई ना, समझाओ यार फिर पढ़े जा है ना, दूर से बता रहा खतरा दूर रहा बर जइया भोले बाबा करधनी लाल नहीं पहरिन, और जब लाल करधनी नहीं पहरिन तो भोले बाबा खतरा नहीं उठेन। तो भोले बाबा क्या सिंगार का भा नांग करधनी नांग लंगोटी नांगन की बनी जूड़ा छोटी शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट वही मोर सवारा श्रृंगार पूरा हो गया। ज्यादा देर राबो ने कहो तुरंत कोई काम नहीं होता खाए भाई, तो तीन जगह भोले बाबा ने फोन किया था, एक तो ब्रह्मा जी के पास और कहा दादा अरे जल्दी जल्दी मामला है तो कोई नहीं होता दे नहीं पाने कारवाड़ छपवा नहीं पाए ना, ऐसा करो तुम जल्दी अपन दल ले लो चले आओ। तो ब्रह्मा जी अपन पूरा दल ले लिया, भाई बाइक भी आओ, भाई कह रहे बिहार में है कोई ज्यादा कार्ड की जरूरत नहीं हो। और विष्णु जी के पास फोन कर दिया और तीसर इंद्र को फोन कर दिया कि तुम आओ तरी मुनीम बन जाओ भाई, लेखा जोखा कह लो व्यवहार को दिन को नहीं दिन को माल दिन को काकिन। तो इंद्र आ गया मुनीमत गिरी करे पर नाच वाच बंधा कर इंद्र लावा रहा है। तो अब तीनों दल आए गए भैया, भोले बाबा सज के भैया चल पड़े। अब जानते हो नाचे गावे वाले फिर इफेंट के पैसा को लगवा देगी, भूत बाजा बजावे सुरज ले नाचे। पहले के जमाने में यहाँ चाहे 100 आदमी भंडारा होत रहे, खाना खवावे वाले बनावे वाली हमारी माताएं बहनी होती रहे, चाहे दिन भर भंडारा चले चाहे रात भर हलवाई को नहीं लाकर रहे। अब लचनिया का भैया बनाया जाता है 1300 पर 1600 पर 2000। आज के जमाना कहा होगा खाना बनाने वाले बंधाए जाते हैं, छन्नी मथनिया ले आए हो और नाचे वाले जो को नाच बंधावत बेकूफ है, खाना बना वाले बाहर से आ रहे हैं और नाचे वाले घर हम बैठ, नाचे वाले घर हम बैठ, जबाना बलदा कि नहीं बलदा बल्द गवा और बल्दे बल्दा उवर है भाई मेरे। भोले बाबा के ब्याह बरतिया कैसे हैं याओ बात समझ लो, कोई मुखहीन कोई नयन विहीन रिष्ट पुष्ट कोई अति तनखीन कोई अतना सुखान कटई सुखानी हड्डी और कोई अतना मुआट चलावे ढनगत की मान कुंटल भरे पूरी अकेले खाई, कोई कह रहे मुंह यक्कम नहीं जो या पूरी खा ले, कोई कह रहे हिया ते बोहिया ले मुंह ही मुंह लागा। मेरे बंधुओं आइस बरतिया भोले बाबा के सब चल दी, ए नौनिया आई हो चिरैया काटे और वही ग्वाड़न मखरा फाट रहे हो उमा बैठ रहा है बिछ पुरानी जी सी बीले, अब नौनिया जैसा रंग लगावे लाग तो बिछ मारी टंक तो नौनिया गन 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 नाच अलग भरी जाए बिहाओ गाँव होगा तमाशा। जब भोले बाबा चल पड़े तो ब्रह्मा दल विष्णु दल इंद्र दल तीन दल चल पड़े। जब बारात चली है तो अब भैया चली बारात भगवान शंकर की, जब भगले बाबक बारात चली तो चलते चलते महाराज हिमांचल के नगर में पहुंची। भाई बहनों जब महाराज हिमांचल के नगर में बारात पहुंची और बारात हम सबसे पहले लड़के बिटिया गांव के दौरत ई देखिए का देखिए दुल्हा ई देखिए दुल्हा वह मौर के पहचान की जी के ऊपर मौर धरा हो वह जी जाए वह मौर तुम तो नवों को ऊपर धर दो तो नवों सब जी जा कहे लगे। भोले बाबा देखा जब गौरा जी की सहेलियां तो भागल गई गौरा जी से बोली दीदी कहीं कहा कहीं जी जा बुढ़वा हाय दीदी अति तपस्या के हो अत्ता पूजा के हो दुल्हा रपालो गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार
उमरी को पार करी गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरी को पार करी काती दुल्हा उमर बोमो जिंदगी चुपया बैठाओ तुम सब जने जाओ हमरे भोले बाबा बुराई ना की हो काहे बत के गौरा जी का भरोसा है क्योंकि गौरा जी ने कर्म किया है और कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत खुद को दासी है और दुनिया में घूमे कहूं ना जाओ घर है मथुरा। गौरा जी कर्म कत्ता कर चुकी है मालूम चार सहस पुन 400 बरस से वालिस लीन चार महीना 24 दिन उमा कठिन तप की अतनी तपस्या भोले बाबा के लिए कर दिया। बताओ जौन लड़की अतनी तपस्या करी सो भला वही को आदमी गड़बड़ मिली। गौरा जी जवाब देती है तुम हमरे भोले बाबा बुराई ना करो बहनी जियरा न जा रो हमार कर्म गति नाही टरी बहनी जियरा न जा रो हमार गौरा की सहेलिया का मर दियो सहेलिया तो गई चली। धीरे धीरे टाइम आ गया द्वारे चार जब द्वारे चार का नंबर वावा तो मैना मैया पहले ही अंटेप चढ़ गई तो पहले ब्रह्मा जी का समाज निकार आ गया। नारद जी का बोला नारद जिससे कहला कि नारद तुम हाँ मंझिया यो बताओ यो दल की काय पहले निकरा है। नारद बाबा बोले मैया ये दल कोई गड़बड़ ना ये तुमरे दामाद का बड़कावा भाई आई का दलवा है। मैना मैया कह रहे पेटम दादा लड्डू निकुती वाले फूटे लागा कहा लगे बताओ इनके जब भाई बंदा इतना कह रहे हैं और भाई बंदा इतने ग्वार हैं बार तो सब सन होएगी लेकिन चेहरे पर वो अत्यंत दमक है तो कहे फिर दामाद हो खैर ब्रह्मा जी का समाज ने कर गया के बाद आया विष्णु जी का समाज। जब विष्णु जी का समाज आया मैना कहला कि दमांदा हो ही ठीक है ठाक तो खैर ब्रह्मा जी का समाज नहीं करेगा विष्णु जी का आया। जब विष्णु जी का समाज आया तो मैना पूछा लगी अब की का समाज आए तो कहला कि तुमरे दमाद के मझिले भाई हंग कहला कि हाँ सांवल तो है लेकिन चेहरा बहुत दमदार है नहीं? खैर उसके बाद में इंद्र का समाज निकला तो मैना पूछी ये कुमाई सब लेखा जो कापी कापी ले घूमते चंदा लगावत है। नारद बाबा बोले तुम्हारे दमाद करे मुनि माए नौकर चाकर मैना का लगी हो दादा जी के नौकर चाकर इतना कह रहे हो फिर दमाद कित तक हो अब फर्स्ट एंड लास्ट। अब आवा भोले बाबा का नंबर तैले मैना मैया अगर हयारती करे तो नीचे उतरिए लड़कियां चढ़ गई अंटे पर द्वारे चार ये ससुरारे मगर गाड़ी नहीं हो तो नहीं करने लगा द्वारे चार। द्वारे चार जब लड़की बिटिया अच्छा देखे हो जौ फेंकी जात ऊपर से ने जौ फेंकी जात तो जौ फेंकत को है जौ को फेंकत भाई जी का ब्याह है वह तो बिटोनी बड़ा बेहाल है वह तो रोवत है बैठे तो जौ को फेंकत है तो हम सुने हैं ना यहाँ बूढ़ा कातिराम से कि भैया कुछ पता है ना जौआ है फेंकत है जी का ब्याह होते है तो हम कहें जौआ फेंकत है कि हाँ तो लड़कियाँ जौ अब कहूँ कहूँ तो जौ फेंके कहूँ कहूँ तो रुपया पर लुटाए जा लागत और जब जौ फेंकी जा लागत झर झर तो जैसे जींस पैंट वाले बरते हैं ये है, सब ऊपर है कैमरा लगावा कर दे कैसे जौ आ रही बहुत मेघा बरस रहा है ना सहित पर अधिकार हो छत पर देखा क्या जितनी देर दुआरे चार हो उतनी देर छत पर हर आदमी देखा क्या अधिकार हो कि क्यों कि ऊपर से ने बौछार हो रही है। ए, तो लड़कियां गावे लगी गारी आओ गारी सुना दिया तो क्या गारा मार दे तो लड़की गारी गावे लगी का गावे लगी या गारी हम जानते हैं आएगे 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 आएगे
बनायो अंधेरी आराती रोशनी बिजली की बनायो ठीक है लेकिन आगे का गौती अरे बन रे के बप्पा लयौती बिजुलिया बन रे के पोपो उनकी मम्मी जोरी देती तारो बप्पा बिजुली लौती तब अम्मा पकड़ कनेक्शन करती मम्मी जोरी देती तारो रोशनी बिजली की द्वारे चार कर मामला निपट गा मैना मैया आरती उतार आखिर अब खोपड़ी पर करेवा नाचे भैया और कहा थे करिया के आगे दिया जलती नहीं तब मैना आरती ही समारी तब जैसे फूक तो मैना मैया तड़बड़ानी तो घुंघट हट घबड़ानी और जब देखे करिया कर गया खफा फफरा सांप तो मैना मैया आरती फेंकी वाह और मैना गिरी या और भागी गई घर का रोना धोना मच गया आवे लागी हाय दादा नारद हमारी बिटिया जिंदगी ना आज कहीं देखो मैना नारद मनिया कहीं हाँ गरिया आवे लागी नारद कर मैं कहाँ बिगाड़ा खाना पानी कुछ नहीं बार ए देखियो द्वारे चार हो रहा द्वारे धड़ा धड़ हो रहा बूढ़ा बूढ़ा घमा घम बरोठे मार को रहे बूढ़ा काती नहीं ब्याह कर लौंडा बुढ़वा है ने बुढ़वा का मर मुंह फाड़ दिए भाई भाई बुढ़वा है तुमका बुढ़वा देखा मारे थारा वारा सा बटवटो दे दयान है ऐसा दयान तो मत दिन चाय जों ने बियो ने द्वारे द्वारे में पंडित द्वारे सब का कहते
बड़ो हमरे हम दक्षिणा ले गए घर है वहां बूढ़ा नोच नोच बड़ो खाती बियाह उठाए हुए बड़ो चुप बैठ दोबारे चार में है कहा जात बंद ना करे बाजा सब जान जे गड़बड़ा हा 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 रोना धोना मचा 12 बजे का भैया जब 12 बजे का कोई खबर नहीं लेने मतलब रोना पिटौना मचा हो तो सब कहा लगे भाई बरात कर मंझिया को है हो न चाय ना नाश्ता ना बैठना पकौड़ी ना पकौड़ा को है तो लोग कहा लगे नारद है देखो भाई बताई है उनको जुगाड़ नारद से कहा नारद यार देखो खाना पानी कुछ नहीं करें औतरी बड़ी बरातें हो बोले बाबा नारद जी कहा लगे देखो चिंता ना करो हम जा रहे हैं देखी व्यवस्था व्यवस्था है कि नहीं मार खाए बदिया हो तो बताओ नारद जी है तो वहाँ खाना पानी तो बना धरा लेकिन कोई खवैया नहीं क्योंकि दुखमा पर है सब रोना ढोना मैंने कहा लगे नारद ऐसी शादी हमारे करा दो बताओ हमारी जिंदगी नरक करा दो नारद बाबा ने धर के डांटा ए मैना शादी हम कराएं बिहाव हम कराएं एक बात सुन लो अगर मधिया तर्रार हो तो बिहाव रुकी नहीं और जब बिहाव कराओ तो रुपया चाहे बियाजब ले जाओ लाख खाड़ गड्डी झरमो परी हो जेब हम मड़े तेरे ठाठ बैठो मधिया को आया मानो अब अक्सर देखो जब डाल खुलते है रात में जब डाल खुलते है तो जब दिखावा जाते है जेवर भाई देख लो तुम्हू नानी देख लो भाई मुसी तुम्हू देख लो देखे बुढ़ा कितुक और मिला है 1.5 लाख के उनका तित्तू दिखा अच्छा जब बारी देखें आतनी बड़ी तो हमारी बिटौनी सब दिन पहरी से अच्छा धोती देखें ये उदही तो बोहैया लिखा दे धोतन आए हाँ साठी वाली आए धोती लाए हैं कुआने जरूर निकारी जी हैं तो उत्तर पर अगर मंझिया जो तन को मंझिया गड़बड़ाएगा वाह तुरंत बूढ़ा उलर पे है बिहाव ना हुई ले जा दो सब तमाशा ना हो भी हो अच्छा बरतिया कम जो बरतिया तर्रार कबले रहत जिले डाल न जाए भीतर तैले भरा लौटा रहो बिहाव ना हो तो लड़का वाले कहा त्यार दिया वाले कहा त्यार फिर गड़बड़ा आ जाई खानो ना सी टेंटो के पैसा नहीं जब डाल भीतर हो गए तब बिटिया ने कहा जाओ बिरा नहीं हुई कहीं जाओ सारे कहीं खाना पानी सब खर्चा आ चुका तब लड़का ने कहा त्यार बना है देखो इधर ना कहीं नहीं कराई जा रहा की अब बरती भाई मंझिया बोला हुआ जी मंझिया से ने बूढ़ा कहे यू कहा लाए तित्त को ये तरह बिहाव करावा जात तो अगर मंझिया तर्रार है तो पैसा देख नहीं है निकालो गड्डी झर से ने कह दे ये पकड़ बिहाव करे का हिम्मत रखे थे को तो चाह घर माना ही बिहाव कराई थी देखो जब तुम्हारे का नौकर लाग है देव ये पैसा 1 लाख रुपये ले सट देने जाग और भर है जेवल लो जैसा बांधो अपने हाथ खरीद लो तब तो जो नहीं हो तब बूढ़ा का कहती कपर कपर हाँ या बात नहीं है या जी नहीं कही तो ना या नहीं कही है वो सब कुछ लेकिन कुछ कम है मारे भैया जब बताओ मंझिया इतना तर्रार है तो जनती भी हो जाए दादा और गड्डी वा देव कोई कना फिर लप्पा धल्यो बस साण बन गए मंझिया अगर झर नारद बाबा जब गए तो मैना रोवे कथा में हो अलग नहीं हो जब नारद गए तो देख मैना रोवे नारद बाबा से कहा लगे नारद फांस तो बिटिया कहीं हाँ नारद बाबा ले मैना हम बिहाव कराएं बिटिया तुम्हारे खुदे मन का बिहाव किस और मन के भी हम घर बखरन तो देखा जात मन के भी हम खाली लड़का देखा जात घर बखरी नहीं देखा जात चुपे बैठो हम बिहाव नहीं कराएं तो को बिहाव किन बिटिया हमारे कहाँ बिहाव किस हम जब जब कहें बिटिया वाले राख हम बैठी मिली तुम बिहाव कराए हो नारद बाबा कहा लगे आओ इधर तुमका बताए नारद बाबा बैठे ना और बैठाए कहीं हवा पूरी कथा तब नारद सब ही समझावा तब नारद सब ही समझावा I'm not.
नहीं है, मरती वक्त इसने शिव जी को मांगा था। तब नारद मैना कह लगी तो बात सहनी आए, सब कर मिट्यो विषाद, हरस जा लाग नहीं जाए। अतना खुशी हो गए, कहला कोई दिक्कत नहीं, जब बिटिया मन का भी हो गया तो हमका कोई दिक्कत नहीं। राजा हिमांचल गए, कहला बड़ते हंस कह दीजा देखी भला खाना ना खाए। तो वहां जब गए तो कहा जा खाए दुई लड़िका बैठ बहु रुआ हो भूखन मारिए, कोई आए कहे बारह बज गया ऊपर बज गया एगो, और भैया खाना दे दो मरी का भूखन पेट। अब जब चिल्लाए तो सब बढ़तिया कहा लगा इस करो राजन हमका खाना न दो कोई बात नहीं, दुई लड़िका बहुत भूखे हैं, ये का चौखाना भूसण पे रे, ये तुम्हारे हित का बैठे ये बहुत भूखे हैं। तो कहा लगे इनका जाओ खवा लो जाए। तो कहा राजा हिमांचल बोले वहाँ भीड़ बहुत है, इनका नाव का है लाओ डायरी लिख ली। तो कहा लगे इनका नाव या का नाम है सुख या का नाम है शनिचर है नहीं। तो कहीं चलो भैया तुमका खाना खवा लें, आए अरबरे में चाहे लड़की बिटिया की शादी हो चाहे भोजन भंडारा हो कोई काम हो, जौने काम में शुभ काम में दुई देवतन का आवाहन नहीं किया जाता, कोई का भंडारा पूर्ण नहीं होत, भंडारा नहीं पूर्ण हुई। कहते हैं कि रिद्धि और सिद्धि का आगमन पहले किया जाता, रिद्धि सिद्धि कौन है, ये गणेश भगवान की दुई पत्नी, रिद्धि के एक लड़का है सिद्धि के एक लड़का है, एक का नाम है शुभ या का नाम है लाभ। रिद्धि सिद्धि कैसे याद किया जाता है, जत्ता भोजन बने वो सब भोजन, जैसे कल भंडारा है तो भोजन बने पहले भंडारा जब बन जाए तो सम्मा तुलसी पाती डाल दो, उसके बाद सम्मा क्या भोजन निकाल निकाल और पहले देवतर के रे आगे धर दो, विका कहा थे अगर आसान बस फिर भोजन कम ना पड़ी, फिर तुम्हार लाज बचना ही बचना। और रिद्धि सिद्धि का आगमन नहीं किनगा, सुख शनिचर के मोहरे के बैठ गए तो पतरी दिन गए तो हो अतना भूखे पतरे नहीं खाएगे हो। कुछ जने कहा लगा यार लौंडे पतरी नहीं दी हो, काला का बहन डार गया कहीं तो भाई का घर उड़ाए गए और देव है, जब चार छह जने लाग तब तो पतरी टिकी। वही के बाद भैया लाई गए पूरी तो सब्जी के राह ने पूरे चबाएगे, जब सब्जी लावे तो चबे सब्जन खाएगे पूरी के बाद हे यहाँ तक रहा कि दोनों हाथन जुटे सब जने लाए ला नावे। अब जब सब पूरा व्यंजन खाएंगे और तब भैया जब राजा हिमांचल बोले भैया अब छक जाओ भैया, जब भूखे भूखे तो राजा हिमांचल बोले भैया अब इतना सब सामान पूरा खाएगी हो कुछ बचा नहीं है, तहारा सब खाली हो गए तो भैया कम से कम यू तो बता दो खाना खाए फिर पानी कहो चली कबड्डी क्या लें। राजा हिमांचल का ला दुई लड़कन छक पाए बारह कहीं तक छक पाई। तब राजा हिमांचल भाग गए एक डेढ़ बजे वहा भोले बाबा से कहा कैसे भैया रात में बिहाव हो जाइए वो खाए कोई पावे चाहे ना पावे हैं ये बस रात में बिहाव कहीं जाते और वैसे करो सब बेचती हमारी हो बोरे करे बेचती कुछ तुम्हारी हुई क्योंकि ससुराल तुम्हारी हो चुकी। तो वैसे करो यार रिश्तेदारी का मतलब हुआ है अगर बिटिया वाले बेचती भाई तो लड़कों वाले बेचती हुई कहूँ पर बात परी कहीं कौन ससुराल वाले दम आए वो या गुटिया नहीं दे पाई ना बहुत नेता पान तो तुम्हारी तो बेचती हुई। तो राजा हिमांचल कहा तो भगवान शंकर ने गौरा जी के पास फोन मिलाया मोबाइल पर बात की, गौरा जी का मोबाइल नंबर जी का ना मालूम तो हमसे ले लो हम दे दी बात करके देख लो घंटी जा दो मौके के हो। मैया पार्वती का मोबाइल नंबर कितना है लिखो लिखो 99 36 तमाम 032। भगवान भोले बाबा ने मोबाइल मिलाया, गौरा जी कहला कि हेलो, भोले बाबा बोले हेलो नहीं चुपया रहो सब खाना समाप्त होएगा, वो ये बंद काटो तुम भवानी हो देवी बंधन मिटाए दो नहीं तो बिगड़ी कहानी, हो देवी बंधन मिटाए दो भोले बाबा बोले एक देवी काम करो सारे बंद काट दीजिए। गौरा मैया ने सारे आदि शक्ति भगवती है भैया तुरंत बंद काट दिए। ओए राजा हिमांचल बैठ रुआ खाना बचा नहीं अब क्या करें। तो राजा हिमांचल पार्वती बोली पिताजी का हेरोवत हो, कहला बिटिया सब खाना समाप्त होएगा बरती है यको नहीं दिए लड़का सब खाए पी की लड़का का है पेट का है कोट भरा रहा। पार्वती मैया बोली पिताजी तुम धाखा खाए गो सपने में, अब ही तुम बड़का वाला कमरा खोलबे नहीं के उमा देखो जो कत्ता खाना धरा। कहा लगे बिटिया सब देखे ना हमारे बनवावा हमार धरावा है
अरे पार्वती फिर जो है सौतम तो कब आ जाता तुम्हें, लेकिन सौ तुम कब आए गए हो, जाओ देखो जाए। राजा हिमांचल गए, दरवाजा रहा बंद, दरवाजा रहा बंद, तो राजा हिमांचल गए और जैसे पल्ला खोला, एक पल्ला खोलिन तो सब भैया मिठाई की डिब्बा दिखान, दूसरा पल्ला खोलिन अरे भैया बढ़िया बढ़िया कुकर का है, बड़े बड़े भगौना सिटिया दिए, हार रहा हार रहा। राजा हिमांचल कहला बिटिया ना है भैया, या कोई दे दिया है। राजा हिमांचल गए अपनी बिटिया के पांच हुआ, कहा बिटिया कहो बता दो कमरा तो लाज बच गए। भरत यहाँ खूब खाएन खो बघान दुआरे चाल लफड़ा हो तो के बाद बोरहारा कोई नहीं बचत है, मेन काम जब बिहाव के बरिया कोई नहीं बचत, तब को बचत मालूम, ज्यादा में ज्यादा नानी हुई है। अरे वह जो दो पैसे की बुढ़िया कोई काम की नहीं, वह बैठी वह तरे उनके मुहिमा ना दांत हो ना पेटे मात हो, वही बैठी वह तिर तुरुक तुरुक देखती हुई है और बटुआ के देखी है, रोए रोए बटुआ देख देख के कुछ सुना ये जाखो भर है बिटौनो सब लाद लिया है, भाग जाए घर खाली कह दे कोड़क्की भरी हो जाते, अरे भरे हम गोहूँ तो जाके हम कबड़ लिया है। भोले बाबा जब चार बजे मंडप के नीचे आए तो भैया माताएं गावे लागी, एकाकी अरिया में जो बोयो बप्पा, दोसरी की अरिया मा धान, और तीसरी की अरिया मा तुम बैठो बप्पा, कैलो कुमारी नदानो। यह बात गलत है, एक एरियम जो बप्पा दूसरी की एरियम धान, और जबकि एक सोहर कहता है कि जौने के भाई जौने कुखिया से बिटिया भाई वह कोक से लड़का भा, तो यूं कहो एक एरियम जो बप्पा वह की एरियम धान, तो दूसरे की एरियम बैठ गया कह लो कुआन दान, लेकिन यूं कहती है एक एरियम जो बप्पा दूसरी की एरियम धान, उनका यूं मालूम है, उनका यूं डाउट है कि बिटिया भाई है मम्मी के प्यार से ने और लौंडा भा है बप्पा के प्यार से ने, तब है कहती या कीरियम जो बप्पा तो सरी कीरियम दान। आगे देखो का गौती, अरे अलहालो कापई जलहालो कापई कापई कोसन के रीडार, अरे भूरा भाई सिया जन दे हो बप्पा, जो मड़वक जकंदा की जाए, भगवान शंकर आ गए और पानी ग्रहण जब की न महेशा, सकल सीधी में मुनि न सुरेशा, सुमन चन चन देवा नाचे गावे लावे सेवा, गावे लावे सेवा। बोले बाबा भैया गौरा जी को अपनाया, आकाश से देवता फूल पर सह तारक अब तू मारा जाएगा। भगवान शंकर मैया गौरा को लेके भैया जब चल पड़े हैं तो बिटिया की विदाई जब हो लगा, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो दिल के कमजोर हैं तो बेचारे उत्ते से ने तर जाते हैं। भाई राजा हिमांचल रोने लगे, रावत कौन आदमी है जो बहुत दुखी होता है। आओ भगवान शंकर मैया गौरा को लेके कैलाश गिरी धाम की तरफ प्रस्थान कर दिया, और इधर भैया हमारे सुभाष जी की का मांग रहा तुम्हारे हो ढोला ना गाए भाई, आरी बारा विद्या दुनिया जानई
का वहीं ले अपनी दुनहिन विदा करावे। ढोला के रे पत्नी रहे दुई याक ना रहे तारू याक ना रहे मारू। तो ससुर गल्लिम पर रहा सारी क्या घर तो कहला कर हसने कहला और कहते हैं आ जाओ ऊंट के रे पीठी जब तक बैठ रही हो पहले टोआना कोई काम ना करिया कर हम यहाँ या ऊंट में क्षमता होते है ऊंट के हड्डी पहन लो कब हो तुम्हारे ऊपर टोआना नहीं गिर सकत क्योंकि दुनिया के जान मालूम है बारह विद्या ऊंट का मालूम है प्यारा। तो ढोला कहला सारी क्या घर है तो लो चली। तो ढोला अपनी सारी के वहां पहुंचे तब सार देखिस तो सोचिस इनका बड़ा मारे ए और करहा लेगा रहा जिम्मेदारी पर। तो वह बोली ठूस सारे जीजा 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 अरे कहो तो जीजा खीर बना जिसे कूटा जाए वो भाई हुए लाग है और वही कूटे वाली पैदों नहीं भय है और बढ़ाई का लौंडा भी गर्भ है जो मूसर बनाई और जल्दी तुरंत हो जाई। ढोला जानेगा कि है वो करहा जानेगा खतरा होगा। ए भैया अब वो मारे खातिन ढोला के यहाँ रोके खातिन का किस करहिया चढ़ा दी इस्तेमाल के और तेल खौल है और ऊपर एक भैया ऊपर क्या किया मालूम ऊपर एक चिथरा लटका और पानी जब छन्न छन्न कर हम गिरे तो ढोला कहला पूरी बन नहीं है पूरी बन नहीं तो करहा वाला की पूरी नहीं बन नहीं सरो मौत तैयार हो रही। तो करहा जब झांके ला खिड़की डगर तो वह जान गए कि यू होटौना जानेगा तो वह छन्न ने मार दी तो उठ के नाके कट गए। बोलो सिया राम चंद्र भगवान की जगह से आज भी ऊंट की नाक कटी। इस प्रकार से भगवान शंकर की पावन कथा आप लोगों ने सुना।